Chasing views, crossing bridge from real to real. This day was a memorable one for me. चाहे वो riverside camping करना हो, cleanest river पर boating करना हो, cliff jumping देखना हो या फिर जाना हो एक सपनों की नगरी में जो कि जानी जाती है cleanliness के लिए. And ये सारे dreamy locations मैंने देखे मेघालय में. And इस वीडियो में आप देखने वाले हो cleanest river Umangot, साथ में cleanest village Molnenong village. And इन सारी जगहों पर जाने का जो भी मेरा अनुभव रहा वो सारे अनुभव मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ. With this, I also welcome you all on my channel, जिसका नाम है नेहाज नेस्ट, जहाँ पे आप कंटेंट देख पाओगे related to travel, food and lifestyle. मैं हूँ नेहा. तो रिवर साइड कैंपिंग करने का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होता है, बस टेंट से बाहर निकलो और रिवर की तरफ चल पड़ो. एंड यहाँ पर तो बहुत सारे व्यू है देखने के लिए. ब्रिज है, ट्रीज़ है, सनराइज़ है. सो मॉर्निंग तो हमारी एकदम ब्राइट हो चुकी है, एकदम मज़ेदार हो चुकी है, बहुत मज़ा आ रहा है. आप भी ज़रूर से आइएगा अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस करना है कैंपिंग का, क्योंकि मोस्टली सब जगह पे कैंपिंग होती है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट हमने हमारी जो टूर है वो बुक की थी वॉन्डरऑन से, एंड उसके अंदर ये जो एक्सपीरियंस है वो इंक्लूडेड है. तो अगर आप भी आना चाहो उनके थ्रू तो आप आ सकते हो. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, हमने बुकिंग उनके थ्रू की थी. एंड आइटनरी जो है वो बहुत बढ़िया लग रही है. हाँ, रोज़ थोड़ा नया नया देखने मिल रहा है. जर्नी हेक्टिक है, बट वहाँ पर पहुँचने के बाद आप डेफिनेटली ये जो सुकून है, जहाँ पर भी आप जाओगे वो सुकून महसूस कर पाओगे मेघालय में. हेलो हेलो, हाय गाइस, नहीं हाय चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस. तो शेनोंग पिडिंग में कैंपिंग भी होती है, साथ में एक्टिविटीज़ भी होती है. एंड कुछ एक्टिविटीज़ के चार्जेस पैकेज में इंक्लूड होते हैं, कुछ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है. अब हम जा रहे थे एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज देखने के लिए. एंड हमें लग गए 2 से 2.5 घंटे के आसपास विलेज तक पहुँचने के लिए शेनोंग पिडिंग से. सो क्लीनेस्ट रिवर देखने के बाद अब मैं पहुंच गई हूँ एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज देखने के लिए. एंड 1.5 आवर का टूर है ये. आप वॉक करके पूरा जो ये विलेज है उसे देख सकते हो. बहुत ही प्रिटी एंड ऐसे सनी वाइब्स है इस जगह की. तो चलिए यहाँ का विलेज देखते हैं. Thank you.
सो इसे एशिया की क्लीनेस्ट विलेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, वो इस प्लेस को हमेशा क्लीन रखते हैं। अगर कहीं किसी और ने भी कचरा रोड पे फेंका या कहीं और भी गार्बेज फेंका तो वो पूरा कलेक्ट करके डस्टबिन में डालते हैं। एंड हर जगह से आपको ऐसी हैप्पी हैप्पी वाइब मिलेगी, आपको फील होगा कि यार मेरा भी घर ऐसी जगह पर होना चाहिए। बहुत ही प्रिटी प्लेस है। सबसे बेस्ट लाइफ मुझे लगी यहाँ के बच्चों की। आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, पूरा टाइम मतलब गैजेट से घिरे हुए हैं। एंड यहाँ पर जब बच्चे आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो रहे हैं एंड अपने ही ग्रुप में मस्त है, वो देखकर इतना अच्छा लगता है। सब छोटे बच्चों को तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। एंड यहाँ के जो घर है वो हम ऐसे पोर्ट्रेट्स देखते हैं ना, जो वॉल पे हम ऐसे एज अ पेंटिंग रखते हैं, वैसे टाइप के घर है। बाहर ऐसे कलरफुल फ्लावर्स, ऐसे पूरा फेंसिंग की हुई है, इतना बढ़िया लग रहा है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा यहाँ से। अभी बज गए हैं शाम के 5 एंड हमने पूरी विलेज देखी। एंड अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बारिश होने वाली है। बढ़िया अनुभव था यहाँ पर आने का।